मैं रोक सकता हूँ, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप बराबर मुझे बोलिए क्या क्या बोल सकते हैं, हम भी तो देखना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कितना फितूर है। आप बोलिए, आप जितना आप बोल सकते बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपके दिल में कितना नफरत है, बोलिए, दिखाइए अपना असली चेहरा, जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए, हम देखना चाह रहे हैं। आप बताइए ना, बोलिए आप, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यूज हो चुका हूँ, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारे, मगर आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते। जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं, तो उसमें गलती क्या है? मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की जबान में बात कर रहे हैं, वो यकीनन उनकी तारीफ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी जबान में नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे जमहूरी तरीके से उनकी मुखालिफत करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को, ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, समझिए इस बात को। और आपको इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाए। छोड़िए असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र आपके मुस्तकबिल की है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा मैं। और आप देखो किस रास्ते पर आप उसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। देखते जाइए आप, पोलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप NRC लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं? और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इनकी जबानें बंद हैं, कांग्रेस, NCP, BSP, समाजवादी पार्टी, TMC, RJD, तेलुगु देशम, सब खामोश क्यों बैठे हैं आप? ये खामोशी तोड़ना पड़ेगा ना आपको, ये खामोशी नहीं तोड़ रहे आप भी मानते हैं, आप भी मान चुके हैं, आपका भी एजेंडा मेजोरिटेरियन एजेंडा है, आपका एजेंडा हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करने का एजेंडा नहीं है आपका। ये बात तकलीफ दी हमारे लिए, और बहुत अच्छा भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई जो आज भी इस मुल्क में हैं, बड़ी तादाद में सेकुलर्स हैं रखते, वो लोग समझ रहे हैं इस बात। BJP के चाहने वाले, RSS के चाहने वाले मुझे तनकीद करेंगे, मगर इस जजमेंट के बाद बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और मुझे यकीन है हिंदुस्तान की उस जनता पर जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को, की खूबसूरती को मानती है, वो खुद आज सोच रहे हैं कि हाँ ये आज हमको दिख रहा है। चंचवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।